और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर प्रहार किया है। बड़े व्यापारियों के खेल से किसान परेशान है। एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है राकेश टिकैत ने। मोदी सरकार ने जनता को बर्बाद किया है। आज महापंचायत बुलाई गई है किसान नेताओं के द्वारा, और एक बार फिर राकेश टिकैत जो बड़े किसान नेता हैं, उन्होंने आज एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। एक ही दिन की महापंचायत हुई और सरकार से किसान संगठन के नेताओं की मुलाकात भी हो गई। आपको याद होगा पिछला आंदोलन, सरकार मिल नहीं रही थी, ऐसा ही राकेश टिकैत कह रहे थे कि सरकार कहां है। लेकिन आज मात्र 4-5 घंटे के इस महापंचायत में सरकार मिल गई, बातचीत भी हो गई। क्या बातचीत हुई और राकेश टिकैत क्या मानते हैं, इस बातचीत से क्या होने वाला है? आप कहते थे कि सरकार कहां है, मिल नहीं रही है, आज ढाई साल में मिली, मिल गई ना, मिली तो कुछ उम्मीद जगी होगी। एक बातचीत का रास्ता खुला है, बातचीत का कोई रास्ता खुला है तो आगे देखो काम करते हैं कि नहीं। लेकिन हम अपने आंदोलन मूवमेंट पंचायत नहीं छोड़ देंगे, वो हम करते रहेंगे और सरकार बातचीत करेगी तो उससे बात भी करते रहेंगे। वो जो मंत्री जी ने कहा कि आते रहिए मिलते रहिए, इसका मतलब क्या हुआ? कटाक्ष है इसका मतलब, कटाक्ष है कि आंदोलन करते रहो और मिलते रहो। ये भी तो हो सकता है कि बातचीत से ही तो बात होती है। हम क्या मना कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। इस बातचीत से आपको कुछ उम्मीद जगी है क्या? देखो उम्मीद तो रहती है, हम कोई ऐसा नहीं है कि हम बात नहीं करना चाहते, समाधान बात से ही होगा। सरकार एक लाइन पाए के बात हम कर रहे हैं तो हम भी है कि बातचीत कर रहे हैं, हम भी बातचीत कर रहे हैं, उसी से ही समाधान निकलेगा। और क्या 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 कौन कौन बात हुई थोड़ी आज जो बताइए जो बात? देखो बिजली के उस पर बात हुई, MSP पे भी बातचीत हुई, मुकदमों पे हुई, फसल का नुकसान हुआ उस पर भी हुई, जो डिमांड थे सभी पे हुई। उन्होंने कहा कि ठीक है आप आते रहो, आंदोलन करते रहो आप भी, और हम बातचीत भी करते रहेंगे। ये MSP और कमेटी को लेकर कुछ बात हुई? अभी कुछ नहीं हुई MSP पे। अच्छा ये भी मैंने सुना कि किसान नेताओं पर भी CBI के छापे पड़े, ऐसी बात छापे पड़ रही है। ये कौन है, किसके खिलाफ? लखवाल के खिलाफ पड़े भाई, उन्होंने कोल्ड स्टोर पेट्रोल पंप लगा रखा है तो और नहीं कुछ, अलग कागजी खंगाल लो भाई, डराने का और क्या तरीका है? यही तो होते मतलब ये कि आप आते रहिए बातचीत होते रहिए। हाँ, हाँ, हाँ। चुनाव के पहले पहले या बाद में भी? क्या पता क्या है, मैं भी तैयार है, हम भी तैयार है। इस मीटिंग का एक ही सकारात्मक पहलू है कि मंत्री ने कहा कि आते रहिए मुलाकात करते रहिए, और लोकतंत्र में बातचीत से ही समाधान निकलता है, और अगर बातचीत होती रहेगी तो कुछ न कुछ किसानों के हक में अच्छा ही होगा। कैमरामैन कालीकांत के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज 24 दिल्ली।